आज राजस्व मंत्री विखे पाटिल का दौरा काटोल एवं नरखेड़ संभाग में है। उसी बीच आज इस सरकारी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का नाम विधायकों की सूची में शामिल न करते हुए किसी और का ही नाम लिख गया है, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य के राजस्व मंत्री विखे पाटिल का नियोजित दौरा काटोल और नरखेड़ संभाग में निश्चित है, जिसके चलते सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा नया मुद्दा उठ चुका है। दरअसल आयोजित सरकारी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का नाम विधायकों की सूची में शामिल न करते हुए किसी और का ही नाम लिख लिया गया है, जिसका निषेध दर्शाते हुए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा नारेबाजी कर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जहां बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।